आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के बारे में, जो कि है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसको कि हम लोग डिमोनेटाइजेशन केस या जजमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपका केस है, ये अभी रिसेंट में 2 दिन पहले ही आया है आपका। और ये जो जजमेंट है, ये क्लैट के पर्पज जो आपका पीजी है, चाहे यूजी है, चाहे बाकी जितने एग्जाम्स है, उन सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग इस केस को काफी आसानी से, काफी ब्रीफ में और अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही में अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं क्लैट पीजी की, या फिर आप बात कर रहे हो बाकी एग्जाम्स की भी एलएलएम से जुड़े हुए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड क्वेश्चंस जो कि हम लोग वहां पे पोस्ट करते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस केस के इंट्रोडक्शन के साथ कि इसमें हुआ क्या था। देखिए, सरकार ने क्या किया था, उन्होंने 2016 में कहा कि भाई हम लोग जो 500 और 1000 के नोट्स होते हैं उनको हम लोग आज से डिमोनेटाइज कर रहे हैं, मतलब उनको हम लोग सर्कुलेशन से हटा रहे हैं। और हम लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो काला पैसा है सब लोगों के पास, वो सारा का सारा काला पैसा हम लोग ट्रैक कर पाए और उसको अपने पास वापस ला के एक तरीके से रोक पाए उस पूरे सर्कुलेशन को। और उसको लेकर ये जो डिसीजन था सरकार का, इसको यहां पर जो इसकी लीगैलिटी थी ना, इसको यहां पे चैलेंज करा गया कि 500,000 के नोट्स आपने जो 2016 में ये करे थे, ये आपने कैसे करे। इसको लेकर सिविल पिटीशन यहां पे आए और इसको लेकर आर्गुमेंट यहां पे लिख दिया गया कि जो आपका सेक्शन 26 क्लॉज 2 है आरबीआई एक्ट का, ठीक है, आरबीआई एक्ट का सेक्शन 26 क्लॉज 2, उसमें ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो केवल डिमोनेटाइज कर सकती है स्पेसिफिक स्पेसिफाइड सीरीज ऑफ नोट्स। और जो यहां पे वर्ड यूज किया गया है एनी, वो जो है इसी चीज को सिग्निफाई करता है। अब ये जो आपका पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास 500 की ये नोट है, तो ये जो 500 के नोट है इसके अंदर सीरीज होती है, मतलब ए सीरीज के नंबर के नोट होते हैं, मतलब नंबरों में ए लिखा रहता है, किसी में बी होता है, किसी में सी होता है शुरुआत के टाइम पे, उसके बाद बी सीरीज की हो गई, सी सीरीज की हो गई। तो होगा क्या कि सरकार के पास अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स पावर है केवल एक बार में ए सीरीज की नोट को कह दिया कि भाई आप सर्कुलेशन से बाहर आ जाओ। ए सीरीज को हटा सकते, बी को नहीं हटा सकते, सी को नहीं हटा सकते, अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर्स ये होना चाहिए। पर यहां पर सरकार ने क्या करा, यहां पे उन्होंने सब कुछ हटा दिया, ए भी हटाया, बी भी हटाया, सी भी हटाया, सब कुछ हटा दिया। 500 की जो पूरी करेंसी थी उसको ही उन्होंने उठा के कह दिया कि सारी के सारे नोटें अब इनवैलिड, अब यहां पे करेंसी सारी के सारी आरबीआई को आप वापस भेजो। ये हुआ था यहां पे। इसके बाद यहां पे जो बेंच थी वो थी जस्टिस अब्दुल नजीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना, वी रामा सुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना की, जिन्होंने इस पूरे पिटीशन को यहां पे सुना। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इस केस के अंदर क्या कानून यूज हुआ था, तो वो था आपका सेक्शन 26 का क्लॉज 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भाई ये पावर है कि वो डिमोनिटाइज कर सकती है, हटा सकती है सर्कुलेशन में से किसी भी ऐसी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स को जो कि किसी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन की है, आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड की रिकमेंडेशन को कंसिडर करने के बाद, एंड आफ्टर टेकिंग अकाउंट पब्लिक इंटरेस्ट। अब यहां पर जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला आस्पेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि काला जो पैसा था उसको कहीं ना कहीं हटाने के लिए इन्होंने कहा कि हम ये जो काम है कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आर्गुमेंट यहां पिटिशनर्स ने क्या क्या दिए, पिटिशनर्स ने बोला कि भाई देखिए, यहां पर जो वर्ड यूज किया गया ना है एनी, ठीक है, वो इंडिकेट करता है पार्लियामेंट के इंटेंट को, लेजिस्लेटिव इंटेंट को, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो केवल विड्रॉ कर सकती है एक स्पेसिफाइड सीरीज ऑफ नोट्स को, एक स्पेसिफाइड, एक सिंपलिस्टिक सीरीज ऑफ नोट्स को ही वो केवल हटा सकती है। और उन्होंने बोला कि जो प्रीवियस टू इंस्टेंसेस है ना, जब पिछली दो बार यहां पे कहने की डिमोनेटाइज करा गया था पिछली दो बार, तो यहां पर जो एंटायर करेंसी थी नोट्स की उनको कैरी आउट करा गया था, हटाया गया था थ्रू स्पेशल लेजिस्लेशन, स्पेशल लेजिस्लेशन के जरिए यहां पर उनको हटाया गया था, जिसको कि पार्लियामेंट के द्वारा पास करा गया, रादर दैन एक नोटिफिकेशन को इश्यू करने के अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2। मतलब इस सेक्शन को यहां पे यूज में नहीं लाया गया कि पहले आप गए, आपने रिकमेंडेशन लिया, वो सब करा, ये नहीं करा गया, यहां पे सीधे सीधे स्पेशल लेजिस्लेशन यहां पे ले आए थे वो लोग पार्लियामेंट में और डिमोनेटाइजेशन हो गया। ये था यहां पे सिंपल फंडा। यहां पे फिर सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम ने पिटिशनर्स की तरफ से बोला कि भाई देखिए, जो यहां पे लेजिस्लेटिव इंटेंट है ना, जो पार्लियामेंट का यहां पे मकसद था वो एकदम क्लियर था, और ये था कि जो गवर्नमेंट है वो ऑथराइज नहीं होनी चाहिए कि वो डिमोनेटाइज कर पाए ऑल सीरीज ऑफ
नोट्स को ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन। आपको 500 की जैसे मान लो नोट है, आपको ए को डिमोनेटाइज करना है, बी को डिमोनेटाइज करना है, सी को करना है, ठीक है, लेकिन सारा का सारा आपने 500 का 1000 का जब एकदम से करा तो उससे एकदम से पैनिक आया, वो पावर सरकार के पास उन्होंने कहा यहां पे नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेजोरिटी ओपिनियन की, कि यहां पे जो मेजोरिटी ओपिनियन थी उन्होंने क्या बोला। इसमें यहां पे जस्टिस बी आर गवई ने मेजोरिटी ओपिनियन को ऑथर करा था और उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई देखो जो यहां पर रिस्पोंडेंट्स हैं, सरकार है यूनियन ऑफ इंडिया, उनके आर्ग्यूमेंट से हम अग्री करते हैं। और उन्होंने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो डिमोनेटाइज कर सकती है किसी भी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स को अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2। पॉइंट सिंपली ये है कि जो वर्ड एनी यूज किया गया है यहां पे एनी, ठीक है, इसको यहां पर उन्होंने कहा कि हम लोग परपोजिव इंटरप्रिटेशन के थ्रू ऑल की तरह इंटरप्रेट करेंगे। एनी का मतलब हो गया ऑल, यहां पे सरकार ने बोला। और उन्होंने कहा कि भाई देखो यहां पे जरूरत इस चीज की है कि हम लोग एक प्रैग्मेटिक अप्रोच ले, प्रैग्मेटिक इंटरप्रिटेशन ले, और यहां पे अगर हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, और अगर मान लो हम लोग प्रैग्मेटिक नहीं होते, वो नहीं होते, तो यहां पर जो प्रोविजन है उसको अगर हमने कहा कि हम लोग रेस्ट्रिक्टिवली इसको भैया वो करेंगे, अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग जो है वैसे नहीं करेंगे, तो वो एब्सर्डिटी और जो पर्पज है यहां पर लेजिस्लेचर का, जो उसने बनाया था कि वो सरकार को पूरी पावर दे रहे हैं कि भाई आप जाइए आप अपने हिसाब से जो भी रिकमेंडेशन है आरबीआई के उसके हिसाब से आप डिमोनेटाइज करिए किसी भी मतलब करेंसी को, उसको कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट कर देगा और उसको एब्सर्डिटी के लेवल पे ला देगा। कि आप समझ लीजिए कि मान लो आपने काला पैसा है, अब काले पैसे के लिए आपने कहा कि भाई जो काला पैसा है उसमें हम ए सीरीज करेंसी को ही हम लोग कहते हैं कि हटाएंगे, लेकिन आपको कैसे पता है कि केवल ए सीरीज की करेंसी काले पैसे के उसमें इन्वॉल्व है, बी सीरीज की नहीं है, सी सीरीज की नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये एब्सर्डिटी पैदा करती है बहुत ज्यादा, जो कि दिक्कत की बात है। इसीलिए हम लोग यहां पर जो पावर यहां पर वेस्ट करी गई है उसको यहां पर ऐसा इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा जो कि प्रैग्मेटिक है। फर्दर यहां पर उन्होंने बोला कि जो इंटरप्रिटेशन है इन इफेक्ट वो नलिफाई करता है जो पावर यहां पर दी गई है, जो एक्सरसाइज होनी है, और इन आर व्यू वो अपोज्ड है टू द प्रिंसिपल ऑफ परपोजिव इंटरप्रिटेशन। और ऐसा जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारे व्यू में रादर दैन एडवांस करने के ऑब्जेक्ट ऑफ द एनैक्टमेंट को, एनैक्टमेंट के पर्पस को एडवांस करने की जगह उसको डिफीट कर देगा। साफ साफ कि जो पर्पस है एनैक्टमेंट का उसको ही आपने अगर डिफीट कर दिया, उसको ये आपने इंटरप्रेट करा कि कोई सिंगल सीरीज ऑफ करेंसी को ही हम डिमोनेटाइज करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं डिफीट करेगा जो उसका एसेंस है, उसको कहेंगे कि खत्म करेगा। फर्दर यहां पे मेजोरिटी ओपिनियन जो थी उसमें उन्होंने बोला कि जो आर्गुमेंट यहां पे दिया गया है पिटिशनर्स के द्वारा ना, कि प्रीवियस इंस्टांसेस में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके अंदर जो है यू नो लेजिस्लेशन का यूज, उसको लेकर उन्होंने बोला कि जो आरबीआई था ना उस केस में यहां पर फेवर में था ही नहीं उस टाइम पर डिमोनेटाइज करने के, और यहां पर जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है ना उसको लेकर भी प्रोमलगेट ही किए गए थे ऑर्डिनेंसेज सरकार के द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ यहां पे डिमोनेटाइज करने की। जैसे यहां पे सरकार ने क्या करा, ऑर्डिनेंस लाए, डिमोनेटाइज करा, सेम काम पिछली बार भी जब सरकार ने डिमोनेटाइज करना था उन्होंने किया था, और यहां पे उन्होंने आरबीआई की कुछ नहीं सुनी, आरबीआई का तो मन भी नहीं था करने का, फिर भी उन्होंने कर दिया। तो पिटिशनर्स की जो बात है ना कि स्पेशल लेजिस्लेशन आया था 26 क्लॉज 2 का यूज नहीं हुआ था, वो कहना कि बात यहां पे वैलिड साउंड नहीं करती है। उसके बाद जो मेजोरिटी जजमेंट था बी आर गवई ने जो यहां पे लिखा था जस्टिस ने, उन्होंने ये नोट करा कि जो लेजिस्लेचर है ना वो इटसेल्फ यहां पे चाहता है, प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई वो डिसीजन ले पाए आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि उसको ये प्राइमरी रोल असाइन करा गया है कि इन द मैटर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड द मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ करेंसी। ये यहां पर इंटेंडेड नहीं है कि हम लोग यहां पर जो पावर वेस्ट करी गई है 26 क्लॉज 2 में उसको यहां पर रिस्ट्रिक्ट करे, बोले कि वो रिस्ट्रिक्टेड पावर है यहां पर, सीधे सीधे यहां पे कोर्ट ने इसको बोला। फर्दर यहां पे कोर्ट है उन्होंने ये भी बोला कि यही भाई आप जो डिमोनेटाइज कर रहे हो आप काले पैसे के थ्रू, ठीक है, यहां पे जो टेररिज्म होता है उसको प्रमोट करते हो, बिकॉज जो पाकिस्तान है जैसे वहां पे आप बात करते हो करेंसी की, तो इतना काला पैसा वहां पे हो रहा है जिसके थ्रू वहां पे जो आतंकवादी है उनको ट्रेनिंग हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारी चीजों को रोकने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ही सरकार ने ये डिसीजन यहां पे लिया था।
और यहां पर जो ये काम किया गया वॉट वॉज फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर हम लोग आपके लिए लाए हैं क्लैट पीजी के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। ये जो आपका कोर्स है इसके अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मोर देन 70 मॉक पेपर्स, जिसमें कि हम लोगों ने कंसिडर करे हैं सारे ईयर्स के जो आपके पैटर्न है 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का, तीनों ईयर्स के पैटर्न को हम लोगों ने कंसिडर करा है, 70 मॉक पेपर्स हम लोग प्रोवाइड करे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि आपका सिलेबस इतना ज्यादा वाइड है तो हम लोग ने यहाँ पे कोशिश अपनी तरफ से ये करी है कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट केसेस आपके 2010 से आप मान लीजिए 2023 तक के जितने इंपॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड हम लोग आपको जो रीडिंग मटेरियल है, जो वीडियोस हैं, वो हम लोग आपको इस केस जो कोर्सेज में प्रोवाइड करें। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इसका जो प्राइस भी है हम लोग काफी रीजनेबल रखें ताकि आप यहाँ पे आराम से आइए, एनरोल करिए। इसका जो आपका वैलिडिटी है वो जब तक एग्जाम आपका चल रहा है दिसंबर तक, एक साल की आपकी है, आराम से आपका चलेगा। तो अगर आपको एनरोल करने का मन है, तैयारी शुरू करने का मन है, जरूर से आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं क्लैट पीजी के इस कोर्स में। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना के डिसेंटिंग ओपिनियन की, बिकॉज ये डिसेंटिंग ओपिनियन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसके अंदर कुछ उन्होंने अच्छी बातें बोली हैं। देखिए अपने डिसेंटिंग ओपिनियन में जस्टिस नागरत्ना ने बोला कि भाई देखिए 2016 में ये जो एक्सरसाइज करी गई डिमोनेटाइजेशन की ना, यहां पर उन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू सरकार ने यहां पर इसको कैरी आउट करा अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2, जो कि अनलॉफुल है ऑन लीगल ग्राउंड्स। ठीक है, लीगल ग्राउंड्स पे ये चीज टोटली यहाँ पे लीगल नहीं है, अनलॉफुल है। और फर्दर उन्होंने एम्फसाइज करा कि भाई देखिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है एज अ बॉडी उसके पास पावर होती है रिव्यू करने की और एक्सरसाइज करने की अपनी पावर को जब बात आती है इंटरप्रेट करने का लॉज को, लेकिन जो मेरिट्स या डिमेरिट्स होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़े हुए कि काला पैसा था, काले पैसे की वजह से हमने करा, क्या करा नहीं करा, उसको यहां हम जज करने नहीं बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारा काम यह देखना है कि जो आपने तरीका यूज करा यहां पे डिमोनेटाइज करने के लिए, क्या वो तरीका सही था या फिर वो तरीका सही नहीं था, ये हमारा मेन पर्पस है। ये यहां पे जस्टिस नागरत्ना ने बोला। फर्दर उन्होंने कहा कि भाई जो आरबीआई है ना वो रिस्पॉन्सिबल है एज अथॉरिटी कैरी आउट करने के लिए यहां पर डिमोनेटाइजेशन को, और उन्होंने यहां पर प्रॉपरली अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा है बिफोर इंप्लीमेंटिंग द स्कीम। स्कीम को इंप्लीमेंट करते हुए आरबीआई ने प्रॉपरली अपना दिमाग नहीं लगाया। और उसको लेकर फर्दर उन्होंने पॉइंट आउट ये भी करा कि जो रिकॉर्ड्स है ना उसमें ये दिखाई पड़ता है हमको साफ साफ कि जो प्रपोजल था डिमोनेटाइजेशन के लिए वो इनिशिएट हुआ था, शुरू हुआ था यूनियन गवर्नमेंट के पास में, आरबीआई ने नहीं शुरू करा, यूनियन गवर्नमेंट ने शुरू करा, ये बीबी नागरत्ना ने बोला। और उसके अलावा जो आरबीआई था उसने केवल एक ओपिनियन दिया था एज रिक्वेस्टेड बाय द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब जो यूनियन ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा कि भाई आरबीआई आप अपना एक ओपिनियन दे दीजिए कि भाई डिमोनेटाइजेशन हम लोग काले पैसे को रोकने के लिए करें ना करें। आरबीआई ने अपना ओपिनियन दे दिया, दैट्स इट। और उसको यहां पे सरकार ने दिखा दिया कि 26 क्लॉज 2 में यहां पर रिकमेंडेशन आई थी, उसको हमने फॉलो करा और ये पूरा ये उन्होंने कहा जस्टिस नागरत्ना ने। फर्दर उन्होंने कहा कि जो इंटायर डिमोनेटाइजेशन था उसको जो है 24 घंटे के अंदर यहां पे सीधे सीधे कर दिया गया, जिसमें कि लैक ऑफ थरो कंसिडरेशन दिखाई देती है बाय द आरबीआई। आरबीआई ने थरो कंसिडरेशन नहीं दिया, बहुत ही जल्दी जल्दी जो है कोशिश करा कि यहां पर पूरे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाए। और फाइनली उन्होंने ये भी आर्ग्यू करा यहां पे जस्टिस नागरत्ना ने कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ना उसके पास ये पावर नहीं है कि वो डिमोनेटाइज कर पाए ऑल सीरीज ऑफ करेंसी को, जिसमें कि जो सारी करेंसीज जो होती हैं बेसिकली सीरीज की बात हो रही है तो एनी वर्ड का यूज किया गया है उसमें आप ऑल जो होता है उसके हिसाब से यहां पे नहीं डिमोनेटाइज कर सकते हैं थ्रू अ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ द आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के अंदर आप सारे नोट्स को एक पर्टिकुलर उसके करेंसी के 500 के सारे नोट्स को आप एक साथ डिमोनेटाइज नहीं कर सकते, सरकार के पास ये पावर नहीं है अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2। इसके बाद फर्दर उन्होंने ये स्टेट करा कि ये जो पावर है ना आपकी वो एक्सरसाइज तभी हो सकती है जब यहां पे आप लोग थ्रू लॉ मेकिंग पावर जो होती है पार्लियामेंट की, लोकसभा राज्यसभा की जो पावर होती है उसके थ्रू जब आप लेके आओगे ना तभी एक्सरसाइज हो सकती है। और ये जो है एज ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो बात है वो ये उन्होंने बोला कि ये है यहाँ पे। और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट करा कि जो सेक्शन 26 क्लॉज 2 है ना वो केवल अलाउ करता है डिमोनेटाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर सीरीज, जो कि यहाँ पे बेसिकली पिटिशनर्स बोल रहे थे ना बात
कि पर्टिकुलर सीरीज ऑफ जो आपकी डिनोमिनेशंस होती है पर्टिकुलर उसके अंदर केवल उसको डिमोनेटाइजेशन कर पाओगे, मतलब ए सीरीज का या बी सीरीज का जो 500 के नोट मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो कर पाओगे, पूरा का पूरा डिमोनेटाइजेशन का यहाँ पे पावर नहीं है सरकार के पास। फर्दर उन्होंने ये सजेस्ट करा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, अगर उसको लगता है कि उसको डिमोनेटाइजेशन यहाँ पे कैरी आउट करना चाहिए था, स्कीम ऐसी लानी चाहिए थी और वो अगर ये सीक्रेसी में ये काम कर रहा है तो उसको यहाँ पर थ्रू एन ऑर्डिनेंस जो कि लेटर बैक्ड होता एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के साथ, उसको उसके थ्रू ही ये काम करना चाहिए था। मतलब पहले आप ऑर्डिनेंस लाए और ऑर्डिनेंस को लाने के बाद आप एक लेजिस्लेशन प्रॉपरली लेकर आए जिससे कि आपने उस चीज को सर्टिफाई करा कि भाई ऑर्डिनेंस था, फिर उसके 6 महीने के अंदर हमने एक लेजिस्लेशन लाए जिसके थ्रू हमने कहा कि हाँ पार्लियामेंट के जरिए हम इस चीज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिकॉज जो प्रीवियस टू इंस्टांसेस थे वहां पर भी लेजिस्लेशन को लाया गया था। ये जस्टिस नागरत्ना ने अपने डिसेंटिंग ओपिनियन बोला और जो आपके मेन की पॉइंट्स थे मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं फॉर द केस ऑफ विकास कुमार शर्मा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा कि भाई यहाँ पे संभव लॉ पे सर है पढ़ाते हैं, उनको भी पता चले कि भाई हाँ क्लैट यूजी हो गया, पीजी हो गया, उसकी प्रिपरेशन के लिए अगर आपको अपडेटेड रहना है फॉर ऑल द की इवेंट्स जो कि होते रहते हैं लॉ से जुड़े हुए, सब पे हम लोग आप वीडियो रेगुलरली अब संभव लॉ पे बनाने वाले हैं। रोज मेरी कोशिश रहेगी 100% कि मैं आपको वीडियो यहाँ पे दूं, चाहे बात करो स्ट्रेटजी की, चाहे आप बात करो किसी रिसेंट केस लॉ की, चाहे आप बात करो करंट अफेयर्स की, सारे में चीजें कोशिश करूंगा कवर करने की। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और अपना जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी इनेबल कर लीजिए ताकि आपको जो वीडियोज हैं वो रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।